हाँ तो दोस्तों, मैं विनय कुमार पांडे, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी को स्वागत। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं कुछ महीनों से अपने चैनल पर नियमित रूप से वीडियो अपलोड न कर सका, जिसके चलते मेरे विद्यार्थी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अक्सर कमेंट किया करते थे कि सर क्या कारण है कि नियमित रूप से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। तो आप सभी को जानकारी हो जानी चाहिए कि मैं कुछ महीनों से वेबसाइट में पोस्ट कर रहा था, अपना वेबसाइट क्रिएट किया हूँ vinayshahyoutuber.com। उसी पे मैं नियमित रूप से मोटिवेशनल पोस्ट अपलोड किया करता था। समयाभाव के कारण चैनल पर वीडियो अपलोड न कर सका, इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं अब नियमित रूप से वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप सभी को मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, मैं किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, मैं जिन भी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप सभी को मोटिवेशन मिलेगा, खासकर विद्यार्थियों के जीवन में मोटिवेशन जरूर मिलेगा। दोस्तों, सभी इस संसार में बोलना चाहते हैं, अपने को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, किसी के बातों को कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके अंदर सुनने की ताकत होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है, अगर कुछ करना है तो सुनना पड़ेगा। अगर आप किसी के बातों को सुनते हैं तो हो सकता है जो आपको जानकारी नहीं है वह जानकारी आपको मिले, नई जानकारी मिले। तो नई जानकारी के लिए तो आपको दूसरे के बातों को सुनना पड़ेगा। जैसे वर्ग में शिक्षक के बातों को विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जीवन में अगर आगे बढ़ना है दोस्तों, तो दूसरे के बातों को सुनो। जब तुम दूसरे के बातों को जब सुनोगा ना, तब तुमको मालूम चलेगा कि तुम्हारे जीवन में वह बात अच्छा है या बेहतर है या बदतर है, सार्थक है कि निरर्थक है। तो सुनना सुनो, आज से ही दूसरे के बातों को सुनो और उसके बारे में चिंतन करो। चिंतन करना भी जरूरी है, उसके बारे में सोचो। जब तुम सोचेगा ना, क्योंकि जिसने भी जो सोचा वैसा करके दिखाया, तो क्या तुम सोचोगे तो तुम नहीं करके दिखाओगे, तुम भी करके दिखा सकते हो। अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत करना, एक अलग सोचो जो आज तक किसी ने न सोचा, एक नई राह बनाओ। क्योंकि भीड़ उसी राह पर होती है जो राह आसान होता है, जो रास्ता आसान होता है उसी पे देखोगे तो भीड़ लगा हुआ, जाने वाले लोग जा रहे पीछे पीछे, लेकिन तुम अपने जीवन में एक अलग राह बनाओ, रास्ते बनाओ। तुम्हारे रास्ते पर पीछे किकाड़वा लगे रहे, और जब तुम ऐसा करेगा ना, तो उसको मन में उतारो, जो सोच लिया वैसा ही करने का प्रण कर लो, संकल्प कर लो। और जब तुम करने का संकल्प कर लेगा, तो निरंतर प्रयास करते करते अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक, अपने बुलंदियों तक जो तुमने गोल रखा है अपने जीवन में, उस गोल को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों से यही बातें कहना चाहता हूँ कि किसी के बातों को सुनना बहुत जरूरी है। उस बातों को सुनकर तुम निर्णय लो कि तुम्हारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है। अगर तुम्हारे जीवन में अगर सही है तो तुम वैसा सोचो करने के लिए, और जब तुम सोच लेगा ना, तो उसको मन में उतार लो, संकल्प कर लो। और जो संकल्प कर लिया हुआ जिस कार्य के प्रति उसने वैसा करके दिखाया है, आज तक इतिहास हुआ है, इसलिए तुम भी अपने जीवन में इन तीनों बातों को रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाओ, प्रयास करते जाओ। एक ना एक दिन मंजिल मिलेगी और तुम्हारे लिए वह अच्छा दिन होगा। तो दिन तो आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा होगा, ये अपने मन में रखकर प्रयास करते रहो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए लाइक करें। अगर आज तक अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दें, और ऑल पे क्लिक करके आप मेरे वीडियो को निरंतर देखने का प्रयास करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे।